नमस्ते प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों, विद्वान साथियों और विदुषी बहनों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड में संकलित 90वें पाठ, जिसमें विद्यापति के द्वारा रचित 3 पद शामिल है, उन पदों में से पहले पद की व्याख्या आपके समक्ष करने वाले हैं। ये वीडियो व्याख्या का जो पद है वह पद आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है। तीनों पदों की व्याख्या हम करेंगे। तीनों पदों की व्याख्या के साथ साथ तीनों पदों के वीडियो को एक साथ जोड़कर और अलग अलग भी इस लिंक पर या इस चैनल पर और अपलोड किए जाएंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख सकते हैं। दोस्तों, एक दो बात और जैसे कहें तो वरिष्ठ अध्यापक की हिंदी विषय से और हिंदी विषय से ही व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पाठ्यक्रम तय किया जाएगा तो उसमें 100% संभावना रहेगी कि एनसीईआरटी के द्वारा संपादित इन पुस्तकों को हमारे पाठ्यक्रम में उसमें शामिल किया जाएगा। तो यह वीडियो जो है, ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले बच्चों और हिंदी विषय से वरिष्ठ अध्यापक और प्राध्यापक या लेक्चरर की तैयारी करने वाले साथियों के काम आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ ये ब्लू कलर की स्याही में जो लिखा हुआ है वह पद है और यहाँ पर इनके शब्दार्थ लिखे हुए। विद्यापति के जीवन और रचना परिचय के बारे में बात करें तो विद्यापति के जीवन और रचना परिचय का वीडियो इससे पूर्व में जारी किया जा चुका है। इससे पद की या हम कहें कि तीनों ही पदों की व्याख्या का जो लिखित रूप है, हाथ से लिखा हुआ लिखित रूप नोट्स है, वो भी आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। चूंकि पीडीएफ का या लेखन का एक अलग उसकी कुछ सीमाएं हैं, हद है, दायरा होता है, उस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते, इसलिए वीडियो के रूप में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास इसलिए किया गया ताकि कई थोड़ा सा इसे और ज्यादा विस्तार दे सके और आप लिखना चाहें तो वहां से लिख सकते हैं। कक्षा 12 के बच्चे शब्दार्थ और व्याख्या को वहां से लिख सकते हैं। देखिए, पहला आपके सामने लिखा है, के पतिया लय जायत रे, मोरा पिए तम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे, भेल साओ नमास, एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे, जग के पतिया, मोर मन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, मधुपुर बसरे, कन अपदस लेल, विद्यापति कवि गाउल रे, धनी धरु मन आस, आउत तोर मन भवन रे, एहिक कार्तिक मास। अब आप पहले एक बार इसके शब्द संपदा देख सकते हैं, शब्दार्थ देख सकते हैं, के का अर्थ है कौन, पतिया का अर्थ है पत्रिका या प्रेम पत्र या प्रेम पाती, ले जाए तो लेकर जाएगा जाना, प्रियतम प्रियतम हिये हृदय, सहे सहन करना, असहे असहनीय, भेल आना, शाउन सावन, एक सरी अकेले, एक भवन घर, मोही मुझसे रहलो न जाए, रहा न जाए, अनकर दूसरों के, और यहाँ पतियाय शब्द मिस हो गया था इसलिए नीचे लिखा हुआ है, पतियाय का अर्थ है विश्वास करना, मोर मेरा, हरि कृष्ण हर, हरण करना या चुराना, चुरा लेना अपहरण जैसे, ले गेल ले जाना, मधुपुर का अर्थ है मथुरा, कन का अर्थ है क्यों, अपजस मानी अपयस, लेल ले लिया, गाउल रे गाकर कहते हैं, धनी स्वामी पति या प्रियतम, धरु धारण करना, क्या धारण करना, धैर्य, आस आशा या उम्मीद, आओत मतलब आएंगे, तोर का अर्थ है तुम्हारे, यही का अर्थ है इसी, मन भावन, ये जगह के कारण बाद में लिखा, मन को भाने वाले अर्थार्थ प्रियतम, और कब, कार्तिक मास, कार्तिक का अर्थ है कार्तिक मास का अर्थ है महीना। विद्यापति कवि के द्वारा ये जो बात लिखी गई है यह मैथिली भाषा में लिखी गई है, तो भाषा कौन सी है, मैथिली, और किस रचना से लिया गया है, तो इसे पदावली से संकलित किया गया है। विद्यापति के द्वारा रचित एक ग्रंथ है पदावली, उस पदावली में स्थानीय भाषा या देश भाषा में और उनके द्वारा साहित्य रचना की गई,
तो उस में पदावली के पदावली से मैथिली भाषा में लिखे हुए तीन पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। पहला पद आपके सामने, तो यहां देखेगा क्या, देखेंगे देखिएगा क्या होता है कि एक नायिका है और एक उसकी सखी है, एक उसकी सखी है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि पतिया ले जाए तेरे मोर पिए तम पास, के कार्य हमने वहां लिखा है कौन। तो नायिका अपनी सखी से कहती है हे सखी, ऐसा कौन है जो मेरे प्रियतम के पास मेरी प्रेम पत्रिका लेकर जा सके, कि मेरी प्रेम पत्र को लेकर मेरे प्रियतम तक जा सके, ऐसा क्या कोई है, क्या ऐसा कोई है। ये नहीं है, सहे असह दुख रे, कि हृदय नहीं सहन कर पा रहा है असहनीय इस दुख को, कि मेरा हृदय इस असहनीय दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। भेल सावन मास, इससे बड़े सावन के महीने में, सावन के इस महीने में इस असहनीय दुख को मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है अथवा असमर्थ है। एक सरी भवन पिया बिनोरे, कि ये जो भवन है ये पिया के बिना, प्रियतम के बिना क्या हो गया है, एक सरी ये जो भवन है ये खाली हो गया है प्रियतम के बिना, रिक्त हुए इस भवन में मुझसे अकेले रहा नहीं जाता है, मोही रहलो न जाए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारू ने रे जग के पतियाए, कि हे सखी यह जो प्रेम का दुख है यह बड़ा ही अनकर है, अनकर का मतलब सॉरी, ये हे सखी यह जो प्रेम का दुख है यह बड़ा ही दारुण होता है। और जग दूसरों के, अनकर का अर्थ है दूसरों के, अनकर का अर्थ यहां लिखा दूसरों के, कि यह जग अनकर दूसरों के दुख पर क्यों विश्वास करने लगा, अर्थात इस प्रेम का जो दुख है वह तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इस दुख को झेला है या सहन किया है या जो इस दुख में जल रहा है। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, कि मेरा मन, मोर मन मतलब मेरा मन, हरि हरि का अर्थ है कृष्ण, हरि का अर्थ क्या है कृष्ण, कि मेरा जो मन है वह हर लिया है अपने पीछे, मेरे मन को कृष्ण ने अपने पीछे हर लिया है या मेरे मन को चुरा लिया है। अपनो मन गेदरे, कि मेरा मन अब मेरे पास नहीं रहा, वो कृष्ण ने चुरा लिया है, और कृष्ण ने चुरा लिया है इस कारण से कृष्ण ने अपने हरि नाम का जो ना हरि उनका जो नाम है उस नाम को भी उन्होंने सार्थक कर दिया है, अर्थात वो भी हरण करने वाले या चुराने वाले बने हुए हैं। गोकुल तेज मधुपुर बसरे, तेजी का अर्थ होता तजना, त्यागना, छोड़ना, कि गोकुल तज कर मधुपुर बसरे कन अपसस लेल, कि गोकुल को तज कर वो मथुरा, मधुपुर का अर्थ यहां लिखा गया है मथुरा, कि गोकुल को छोड़कर वे मथुरा में जाकर बस गए हैं। रे कन अपसस लेल रे, ऐसा इन्होंने क्यों, ये है अपयस, ये है अपयस, या हम कहें कि ये अपमान उन्होंने क्यों अपने माथे, क्यों अपने सिर पर लिया है। विद्यापति कवि गावोल रे, विद्यापति कवि गाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि इतना सब होने के बाद, ये सब बातें कहने के बाद नायिका की सखी कहती है विद्यापति कवि गावल रे धनी धरु मन आस, कि हे धनी हे नायिका तुम धरु धारण करो मन आस, मन में एक आशा एक उम्मीद को धारण करो। आवोत तोर, के आएंगे तोर तुम्हारे मन भावन रे, मन को भाने वाले, कि तुम्हारे मन को भाने वाले अर्थात तुम्हारे प्रियतम में आएंगे यही कार्तिक मास, कि इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारे जो पति हैं या प्रियतम हैं या जो मन को भाने वाले हैं या मन को तुम्हें अच्छे लगने वाले हैं वे इसी कार्तिक मास में आएंगे, इसलिए तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। हे रे धनी, धनी का अर्थ है नायिका से, कि हम कह सकते हैं कि हे सखी तुम अपने मन में उम्मीद जगाए रखो, धैर्य धारण करो और उम्मीद जगाए रखो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है,
या मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आवत तोर मन भावन रे, कि तुम्हारे मन भावन, तुम्हारे मन को भाने वाले तुम्हारे प्रियतम आएंगे यही कार्तिक मास। यही का अर्थ होता है इसी, यही का अर्थ क्या है इसी, कि इसी कार्तिक मास में या इसी कार्तिक महीने में वे अवश्य आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, इसलिए तुम्हें धैर्य धारण करो। ये तो था, ये तो थी इसकी व्याख्या। अब विशेष में हम लिखेंगे, विशेष में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो भाषा कौन सी है, मैथिली है। इसके बाद में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, कौन से रस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, इस बात को आप गांठ बांधने में इसकी वर्तनी सूत्र लिखना शुरू कर देवे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि श्रृंगार श्रय बना देते हैं और उसके नीचे री की मात्रा लगा देते हैं और फिर ये श्रृंगार देखते हैं, ये पूर्णतया अशुद्ध शब्द है। तो मैथिली भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, और विरह वेदना का वर्णन या नायिका के या राधिका के विरह वेदना का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके साथ ही साथ हरि हर, हरि हर में अनुप्रास अलंकार माना जाएगा और धनी धरु में भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ आप एक बात और लिख सकते हैं कि कोमल कांत बहुत ही, क्योंकि जहां प्रेम का वर्णन होता है वहां कोमल कांत पदावली मतलब शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। मैथिली भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, कोमलकांत पदावली है और धनि धारु में अनुप्रास अलंकार है, हरिहर में अनुप्रास अलंकार है और हम कहें तो कोमलकांत पदावली और विद्यापति के द्वारा रचित पदावली नामक ग्रंथ से इसे लिया गया है और विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तो अब चलते हैं दूसरे पद पर।